नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर डायरी में मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, ग्वालियर डायरी में हमारा आज का विषय है रंगमंच पर परिचर्चा। दुनिया भर में हर साल 27 मार्च का दिन वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1961 से हुई थी। रंगमंच दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कलाओं, संस्कृति और परंपरा को लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया है। तो चलिए आज हम रंगमंच को और अधिक विस्तार से जानते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी युवा अवार्ड प्राप्त किया है। निर्देशन के क्षेत्र में करीब 15 किताबें इनके द्वारा लिखी जा चुकी हैं। इसके साथ ही 100 से अधिक नाटकों में अभिनय एवं निर्देशन भी किया है। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और साथ ही आज हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप सभी का भी स्वागत है। आप लोग भी अपने प्रश्न हिमांशु जी से कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन के सभी श्रोतागण, जो दर्शक वृंद हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी शुरुआत चंदेरी से हुई। मेरी स्कूलिंग चंदेरी की है, जो पास में वर्तमान में जिला अशोकनगर पड़ता है, पहले जिला गुना था। और वहाँ से मेरी स्कूलिंग होने के बाद मैं बचपन से ही मिमिक्री करता था, स्टैंड अप कॉमेडी करता था। और बाल्यकाल में जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर एक लोकल कॉम्पिटिशन होता था, जहाँ पर सभी स्कूलों के विद्यार्थी इकट्ठे होते थे और वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होता था। तो वहाँ पर मैं कई बार विजेता रहा। और उस समय लगभग ये कह सकते हैं बाल्यकाल में बहुत सारे लोग, चंदेरी के लोग जानते थे सांप, बीन की आवाज़, कुत्ते के लड़ने की आवाज़, बिल्ली के लड़ने की आवाज़, ट्रेन। और उस समय कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसकी भी मिमिक्री मैं करता था, वॉइस निकालता था। तो इस ढंग से शुरुआत हुई। और उसके बाद मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने थिएटर की शिक्षा जो है वो मैंने भोपाल से प्रारंभ की। एक साल मैंने भोपाल में थिएटर किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के समय ग्वालियर रहा, और उसके बाद मैं हिमाचल मंडी ड्रामा स्कूल, वहाँ पर मेरी शिक्षा रही। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में मैंने मास्टर्स एम इन थिएटर गोल्ड मेडल के साथ किया। वहीं पर मेरी डॉक्टरेट पीएचडी रही। और उसके बाद ईश्वर की कृपा रही, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरी जन्मभूमि रही वही मेरी कर्मस्थली बनी। 2015 में मैं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाटक एवं रंगमंच विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर आया। तब से लगातार मैं रंगमंच प्रयोग स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर कर रहा हूँ, लगातार अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। और देश देशांतर में लगातार हम लोग नाटक कर रहे हैं, उनकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और नए नए क्रिएटिव काम को लेकर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार सक्रिय हूँ इस समय। जी हिमांशु जी, जैसे कि हम आज रंगमंच पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यही समझाइए हमारे दर्शकों को कि रंगमंच क्या है। रंगमंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इसे कहें तो रंग शब्द के कई अर्थ होते हैं, रंगभूमि, रणभूमि, रंगशाला, रंगमार्ग, राजमार्ग। हमारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद और विविध प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनमें रंग शब्द का बहुत वर्णन किया गया है। लेकिन सामान्य अगर इसको अर्थ में समझा जाए तो रंग मूल रूप से जीवन के जो विविध रंग हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विवत्स, घृणा, उनको जो हम जीवन में लाते हैं वो मूल रूप से हमारे कलर हैं, जीवन के रंग हैं। और जब उनको हम मंच पर प्रस्तुत कर देते हैं तो वो रंगमंच बन जाता है। अर्थात जीवन के विविध आयाम, जीवन के विविध अनुभवों को जब मंच पर प्रदर्शित करते हैं तो वो रंगमंच है। जी, साथ ही जानना चाहेंगे हिमांशु जी कि रंगमंच के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। देखिए मैम, रंगमंच के जितने अगर मैं बहुत सरल भाषा में अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस भारतवर्ष में अनेकों भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मराठी, उसी तरह से पूरे विश्व में भी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। उन सारी बोलियों में उनकी भाषा का रंगमंच है, उनकी बोलियों का रंगमंच है। तो इसके यहाँ ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। पूरे संसार में जितनी अभिनय और नाट्य की परंपराएं हैं उतनी उस प्रकार की परंपराएं हैं। जैसे हम अगर पूरे भारतवर्ष में देखें तो संस्कृत और लोक की तो हमें परंपरा दिखती है शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन लोक की भी अपने अपने रीजनल और अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग परंपराएं हैं। तो संसार भर में जितने हमारे देश देशांतर है उस हिसाब से उनकी रंगमंच की परंपराएं हैं। जी,
हिमांशु जी, रंगमंच की विभिन्न शैलियां कौन सी हैं? मैम, रंगमंच की अगर शैलियों की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि एक संस्कृत रंगमंच की परंपरा है, उसकी अपनी एक अपनी अभिनय शैली होती है। नाट्य प्रस्तुति का अपना एक विधान होता है, पूर्व रंग विधान है, भरतवाक्य है, नांदी पाठ है, प्ररोचना, आमुख, बीथी, प्रहसन इत्यादि प्रकार के नाट्यशास्त्र की परंपरा है। फिर लोक की परंपरा की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, उनकी अपनी एक परंपरा है, हर क्षेत्र में अपना। जैसे अगर उदाहरण से समझे तो भांड मिरासी, नकाल, तमाशा, स्वांग, भवई, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, ये लोक की परंपरा है। इसी तरह से पूरे विश्व में जाएं तो ग्रीक रोमन, ग्रीक थिएटर की अपनी एक शैली है, रोमन थिएटर की अपनी एक शैली है, मध्यकालीन मिडविल थिएटर है उसकी अपनी एक परंपरा है, शेक्सपियरियन थिएटर की अपनी एक परंपरा है, 19th सेंचुरी में स्टैनिस्लावस्की थिएटर, रियलिस्टिक जो एक्टिंग है, यथार्थवादी अभिनय हम जिसे कहते हैं, उसकी अपनी एक परंपरा है। पर मेयरहोल्ड, पीटर ब्रुक, ग्रोटोवस्की, आर्तोद, रिचर्ड शेखनर, सबकी अपनी एक परंपरा, लगातार इन परंपराओं में कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है। तो अगर मैं अंत में कहूं कि रंगमंच की इतनी विशाल परंपरा होने के बावजूद उसमें लगातार नई नई परंपराएं ऐड होती चली जाएंगी, जो आज परंपरा है वो कल नहीं रहेगी और कल नई परंपरा पुनः पैदा हो जाएगी। तो रंगमंच की अनेकों परंपराएं और शैलियां हैं। मैम जी, हिमांशु जी, अब हम चाहेंगे कि आप भारत की रंगमंच परंपरा पर प्रकाश डालिए। भारत की रंगमंच परंपरा को अगर हम समझें तो भारत की रंगमंच परंपरा मूल रूप से दो प्रकार की है। एक जिसे हम विशुद्ध रूप से कहें कि व्हाट इज द इंडियन थिएटर, तो इंडियन थिएटर दो प्रकार का है, एक संस्कृत थिएटर क्लासिकल इंडियन ड्रामा और दूसरा है लोक रंगमंच। शास्त्रीय रंगमंच जिसे कहे वो दो प्रकार का है लगभग, एक नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का, नियमों का पालन करता है और एक नाट्यशास्त्र के नियमों को पालन नहीं करता, मतलब उसको डिनाई भी नहीं करता, लेकिन अपने कुछ नियमों के आधार पर कार्य करता है। तो एक संस्कृत रंगमंच की परंपरा है और दूसरी अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगहों की लोक परंपरा है। जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की अलग लोक परंपरा है, लोक नाट्य परंपरा है, जिसमें स्वांग है। माच, मालवा अंचल जो है वहां पर माच की परंपरा है। हम रीवा, बघेलखंड की तरफ जाते हैं तो छाहुर की परंपरा है। अगर हम चंबल की तरफ आते हैं तो हमारा लांगुरिया, लांगुरिया नृत्य नाट्य परंपरा है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की लोक नाट्य परंपराएं हैं। तो मूल रूप से भारत की रंगमंच की परंपरा एक संस्कृत थिएटर की है और एक लोक रंगमंच की है। जी हिमांशु जी, मध्य प्रदेश के रंगमंच की अगर हम बात करें तो ग्वालियर और आसपास के अंचल में रंगमंच को लेकर क्या कार्य हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? ग्वालियर एक बहुत पवित्र पावन भूमि है और हमसे बहुत ही पास में डबरा एक जगह है जिसका प्राचीन नाम पद्मपुर था, जिसको पवाया नाम से भी जानते थे। तो आप सभी जो जानते हैं कि महाकवि भावभूति पवाया के ही है, तो ग्वालियर और चंबल अंचल के ही हैं और संस्कृत नाटक के ऐसे महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं जिन्होंने संस्कृत के 3 नाटक लिखे, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम की अगर मैं बात करूं तो अकेला ऐसा प्ले है जो उस कालखंड में लिखा गया जो प्ले विद इन प्ले, नाटक के अंदर नाटक के कंसेप्ट की बात करता है। महावीर चरितम नाटक सुन के हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि शायद भगवान महावीर या हनुमान जी के ऊपर आधारित होगा, लेकिन वो मूल रूप से रामायण के ऊपर आधारित है, लेकिन उसमें पूरी कल्पनाशीलता है भावभूति की। इसी तरह से मालती माधव का कंसेप्ट है। तो भारत की जो ग्वालियर चंबल अंचल की हमारी बुंदेलखंड की जो रंगमंच परंपरा है, हमारी भावभूति से शुरू होती है और भावभूति के बाद जितने संस्कृत के नाटककार रहे हैं लगभग, उनका कहीं ना कहीं योगदान चंबल बुंदेलखंड तरफ रहा है। और बुंदेलखंड की तरफ हम जाते हैं तो बुंदेलखंड और चंबल आसपास के ही बेल्ट हैं, तो यहाँ की रंगमंच की परंपरा भी बहुत मिलती जुलती है। जिसे हम एक दोहे से समझ सकते हैं, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टौस, छत्र साल सो रनन की रही न काहू होश। तो आसपास के ये एरिया मिलते हैं। तो यहाँ की जो लोक परंपरा विशुद्ध रूप से जिसको स्वांग, तो स्वांग परंपरा बुंदेलखंड में भी है और चंबल में भी है। चंबल में उसका नाम खोइया कह देते हैं कई जगह, बाबा का स्वांग हो जाता है, दिल दिल घोड़ी भी मिलती है। तो चंबल और बुंदेलखंड की लोक परंपरा में अगर हम बात करें तो बधाई, राई, नौरता, झिझिया, मामूलिया, ये नृत्य परंपराएं और नृत्य में नाट्य की परंपराएं भी है। और अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो ग्वालियर में एक रंगमंच की लगभग 80 साल पुरानी परंपरा रही है, लगातार मॉडर्न इंडियन ड्रामा यहाँ पर रहा है, आर्टिस्ट कंबाइंड जैसी संस्थाएं रही हैं, बड़े बड़े रंगकर्मी पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर आते रहे हैं।
और जब से विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर की स्थापना हुई है तब से लगातार एक सशक्त और प्रशिक्षित रंगमंच हम लोग कर रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय से पास आउट होने वाले व्यक्ति बच्चे भी लगातार ग्वालियर और चंबल में रहकर एक जिसको कहें कंटिन्यू थिएटर कर रहे हैं, लगातार रंगमंच कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृत रंगमंच की भी एक विशाल परंपरा है, लोक रंगमंच की भी एक विशाल परंपरा है, और आधुनिक और समकालीन रंगमंच की भी लगातार परंपरा है जो इस पूरे रंगमंच के बेल्ट को समृद्ध करती है। जी, साथ ही हिमांशु जी जानना चाहेंगे हम कि रंगमंच और नाटक में क्या संबंध है। बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर मेरे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आप, कई विद्वान भी पूछते हैं क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, तो नाटक और रंगमंच में क्या अंतर है, दोनों एक ही है। मूल रूप से तो दोनों एक ही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा साहित्यिक विधान में समझा जाए तो आज सुबह ही मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कि काव्य की दो विधाएं होती हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य जो है वो काव्य है, और काव्य की दो धाराएं हैं, एक गद्य की और पद्य की। तो मूल रूप से गद्य की एक विधा होती है नाटक, लेकिन जब उसको हम मंच पर प्रस्तुत कर देते हैं तो रंगमंच है। तो रंगमंच पर सिर्फ नाटक प्रस्तुत नहीं होता, रंगमंच पर कहानी, कविता, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, संस्मरण या मेरा जीवन गाथा, कुछ भी प्रदर्शित किया जाए, यहां तक कि आजकल तो चित्रकला भी मंच पर प्रदर्शित करने लगे हैं, संगीत की भी प्रस्तुति होने लगी है, नृत्य की तो प्रस्तुति होती है। तो जब कोई साहित्य की विधा के रूप में है, जब तक वह पढ़ने की विधा के रूप में उसका पढ़ के और सुन के आनंद ले रहे हैं तो वो नाटक की श्रेणी में है, और जैसे हम उसका नाटक में मंचन कर दें तो रंगमंच की श्रेणी में आ जाता है। तो रंगमंच में हम किसी भी चीज का प्रदर्शन कर सकते हैं। हिमांशु जी साथ ही जानना चाहेंगे कि भारत में रंगमंच के जग कौन है। बहुत सुंदर सवाल है मैम। एक्चुअली कहा जाए तो भारत की जो रंगमंच परंपरा या कोई भी कला परंपरा व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं रही है, यहाँ समाज में क्रेडिट लेने की परंपरा नहीं रही, हमेशा क्रेडिट देने की परंपरा रही है। तो पश्चिम के रंगमंच की बात करते हो तो हमें नाम बिल्कुल गिने चुने आ जाते हैं, स्टैनिस्लावस्की, मेयरहोल्ड, पीटर ब्रुक, आर्तुद, ग्रोटोवस्की, और उनके थिएटर की एक परंपरा है, लेकिन भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन चूंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, तो भारत की परंपरा जैसे मैंने कहा था कि एक संस्कृत की है, एक लोक की है, और सबसे प्राचीन पूरे विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसने रंगमंच के ऊपर इतना डिटेल में बात किया हो, वो है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के जो जनक है वो कहे जाते हैं भरत मुनि। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में नाट्य की परंपरा के जनक भरत मुनि है। लेकिन मैं यहां आपको ये बता देना चाहता हूं कि भरत के नाम को लेकर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है हमारे परंपराओं में, क्योंकि भरत एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे, भरत एक परंपरा थी। प्राचीन काल में जो अभिनय करता था उसको भरत कहते हैं, क्योंकि भरत मुनि के 100 शिष्य थे या 100 पुत्र थे, ऐसे नाम आते हैं। तो दंतिल भरत, कोहल भरत, नंदिल भरत, धनंजय भरत, ऐसा मान लीजिए सबके नाम के आगे भरत लगा हुआ है, और सब एक विषय पर काम कर रहे हैं, और उनको प्रकाशित जब कृति हो रही नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि के नाम से हो रही है। तो भरत एक व्यक्ति विशेष ना होकर एक परंपरा थी, अभिनेता को भी उस समय भरत कहते थे, और भारत में भरत की एक लंबी समृद्ध परंपरा है। भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत, जिन्होंने भरत, और एक बहुत बड़े प्रतापी राजा भरत हुए हैं, तो भरत मुनि भी हुए हैं। तो भरत एक व्यक्ति विशेष ना होकर मुझे ऐसा लगता है भरत एक परंपरा है। तो भरत और उनकी सबसे अच्छी बात है, जैसे हम लोग ग्रामीण अंचलों में किसी लोक कलाकार से पूछते हैं, कहा भैया जो नाटक क्या बहुत बढ़िया करो, कैसे कर दो, तो कहते भैया हमने कहा क्यों नहीं करो, वो तो भगवान ने यहाँ करा दो, तो भगवान ने करा दिया से अभिप्राय वो सारा क्रेडिट अपने गो को या ईश्वर को दे देते हैं। तो भारत की रंगमंच परंपरा भी मूल रूप से किसी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जनक भरत मुनि को हम मान सकते हैं। जी हिमांशु जी, आज कई सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि आप ये बताएं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए रंगमंच में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैम। बहुत सारे बच्चे जब आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं कि पूछते हैं कि इसमें रंगमंच में क्या ऑफर होगा, क्या इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी है, प्लेसमेंट क्या होगा। और ईमानदारी से बताऊं, 20 सालों के अनुभव में अधिकतर पढ़े लिखे लोगों को रंगमंच की एक्चुअल कंडीशन मालूम ही नहीं है कि उसमें रोजगार है भी या नहीं है। तो ज्यादातर तो यही समझते हैं रोजगार सिनेमा में है, थिएटर में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा बिल्कुल एक अलग मत है। रंगमंच के अगर रोजगार की बात करें तो पहले तो दोनों विधाओं को आप कंपेयर कर लीजिए। सिनेमा एक कमर्शियल आर्ट है, सिनेमा एक कमर्शियल आर्ट है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा संसाधन और बहुत सारी चीजें लगती हैं, और उसमें बजट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप उसमें सक्सेस होते हैं और आपको
अच्छे से आपकी टीआरपी बढ़ती है तो आप 5 लाख 10 लाख ऐसे आपको अमाउंट मिलने लगता है, लेकिन रंगमंच एक सीमित जगह है, सीमित साधन और सीमित दर्शकों के बीच होता है, तो कंपैरेटिवली आप सिनेमा से कंपेयर नहीं कर सकते कि 5 लाख अगर आपको सिनेमा में मिल रहे हैं तो थिएटर में आपको 5 लाख मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक मध्यम वर्गीय जो जीवन यापन है उसके लिए 50-60-70 हजार की जो आवश्यकता है जीवन के लिए मासिक रूप से, वो पूर्ति रंगमंच जरूर करता है। इसको रोजगार के लिए हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक सेमी गवर्नमेंट या जिसको कहें फ्रीलांसर हम काम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी यूनिवर्सिटी, आज वर्तमान में कम से कम इंडिया में 40 यूनिवर्सिटी हैं गवर्नमेंट की जहां थिएटर डिपार्टमेंट है, जहां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी पोस्ट खाली है, वहां पर आप नेट क्वालिफाई करके, जेआरएफ करके, पीएचडी करके आप वहां पर जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी एकेडमीज हैं, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, साउथ वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर, उनमें डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, प्रोग्राम ऑफिसर, इनकी पोस्ट खाली होती है, वहां अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी और फिर उनकी रीजनल संगीत नाटक अकादमी जिनमें 13 हैं, जिनमें सचिव, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ड्रामा सेक्रेटरी, ड्रामा डायरेक्टर, प्रोग्राम ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इनकी पोस्ट होती है, वहां पर आप जॉब ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह है, रेलवे में आर्टिस्ट कोटा है, होता है, बैंक में आर्टिस्ट कोटा होता है, और भी जहां फील्ड है जहां पर आर्टिस्ट के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक जो मिनिमम है कि आपका मास्टर्स हो, बैचलर्स इन थिएटर हो, आपकी पढ़ाई हो, नेट और जेआरएफ आपका हो, उसके बाद आप मतलब एकेडमिक रूप और एक गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छा खासा जीवन यापन कर सकते हैं। सेकेंड, अगर प्राइवेट में बात करें तो फिल्म लाइन में आप चले जाइए, उस फिल्म लाइन में एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट डिजाइनर, सेट डिजाइनर, मास्क मेकिंग, मेकअप आर्टिस्ट, इन सब की पोस्ट है, आपकी कैपेबिलिटी और आपका पैसा ऑफर होता है। अगर आप बहुत अच्छे डिजाइनर हैं तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप अनुमान लगाइए जया भादुड़ी का जो मेकअप करते होंगे उनको कितना पेमेंट होगा, आप अनुमान लगाइए अमिताभ बच्चन जी का जो मेकअप करते होंगे उनका पर डे का मेकअप का पेमेंट कितना होगा। लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्किल, आपकी कुशलता में बिल्कुल दक्षता होनी चाहिए। तीसरा, फ्रीलांसर एक आर्टिस्ट हो सकता है जो थिएटर और सिनेमा दोनों में काम करता रहे, जैसे अधिकतर अभिनेता करते हैं कि भोपाल में बहुत अच्छा रंगमंच होता है, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा रंगमंच होता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में बहुत अच्छा रंगमंच होता है, तो वहां एक्टर जब समय मिलता है तो फिल्में भी करते हैं और जब समय मिलता है तो थिएटर भी करते हैं। और इसके बहुत अच्छे उदाहरण नसरुद्दीन शाह साहब, परेश रावल और अभी ओमपुरी जी का देहावसान हो गया, मतलब लगातार वो लोग थिएटर में भी सक्रिय हैं और रंगमंच में भी सक्रिय हैं। तो रंगमंच एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, बशर्ते आपकी दक्षता, आपकी कुशलता और आपकी पढ़ाई उसमें अगर है तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते। बस तुलना ये आप मत करिए कि 5 लाख आपको थिएटर में मिलेंगे, अधिकतर नाटक में ज्यादा से ज्यादा आपको 50 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 1 लाख भी मिलते हैं, तो संभावना है जी। अब मैं स्टूडेंट्स की तरफ जाना चाहूंगी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप में से कौन पहला प्रश्न हिमांशु जी से करना चाहेगा? सर नमस्कार, मैं उमाकांत सिंह। सर, जैसे अन्य फील्डों में किसी स्टूडेंट को समाज से या परिवार से सपोर्ट या सम्मान मिलता है, वैसा कला या थिएटर के फील्ड में किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है, उसका इन चीजों के प्रति एक और स्ट्रगल बढ़ जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, इसका मूल रूप से कारण यह है कि समाज में जिस तरह से अन्य कलाओं को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस ढंग से रंगमंच को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि रंगमंच को थोड़ा सा ज्यादातर एक्सेप्ट कराएं, लगातार हम रंगमंच को अच्छा रंगमंच करें। देखिए, बंगाल में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत की तरफ कलाओं में बहुत अच्छा पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, रुचि रखते हैं, लेकिन उत्तर भारत, मध्य भारत में बहुत कम है, बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं है परिवार, लेकिन उनकी बेसिकली उनको जानकारी कम है। तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने माता पिता, परिवार और समाज में ये जागरूकता फैलाएं कि रंगमंच में भी उतना रोजगार है, रंगमंच में भी बहुत अच्छा एक करियर बना सकते हैं, रंगमंच में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अगर इस ढंग से आप करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में उसकी स्थिति बदलेगी और आप सबको भी फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। अब अगला प्रश्न कौन करना चाहेगा हिमांशु जी से? नमस्कार सर, मेरा नाम उपेंद्र सिंह यादव है। मैं, जैसा कि मैंने सुना कि आप, मैम ने बताया कि आपने लगभग 15 पुस्तकों का लेखन किया है और 100 से अधिक नाटकों में आपने अभिनय और निर्देशन किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सबसे प्रिय पुस्तक और आपकी सबसे प्रिय नाटक कौन सा है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें आप।
एक लेखक को वैसे अपनी सारी कृतियां पसंद होती हैं, सब पर वो मेहनत करता है, तो मुझे लगभग अपनी सारी किताबें पसंद हैं, लेकिन बार बार जब उनको पढ़ता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि इसे और बेहतर भी किया जा सकता था, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि कुछ नाटक लिखे हैं तो नाटक लिखने की अपनी एक शैली होती है, एक सिद्धांत होता है, और कुछ मैंने बच्चों के पाठ्यक्रम को लेकर किताबें लिखी हैं, जैसे संपूर्ण भारतवर्ष की यूजीसी नेट डांस ड्रामा थिएटर की पहली पुस्तकें मैंने ही लिखी हैं, जिनको इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। दूसरी बुंदेली स्वांग के ऊपर मेरी किताब थी, जिसको 1,30,000 का अवार्ड इलेक्स इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मिला है, एनसीपीए मुंबई की तरफ से। तो किताबें तो सारी प्रिय हैं, लेकिन जो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग मैंने किताबें लिखी हैं वो चार किताबें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि एक तो उनकी टीआरपी बहुत है, बहुत ज्यादा बिकी है, लगभग 800-900 प्रतियां एक एक पुस्तक की बिकी है, और शॉर्ट आउट रही बिल्कुल अधिक बिकने के कारण उनकी शॉर्टेज रहती है। दूसरा वो बच्चों के लिए लाभप्रद बहुत है, अगर मेरा मेरा खुद का ऐसा एक सोचना है, और बहुत सारा मुझे फीडबैक भी मिला कि अगर वो चार किताबें पढ़ता है विद्यार्थी तो उसको लगभग रंगमंच का एक बेसिक फंडामेंटल फ्रेम लगभग क्लियर हो जाता है, तो वो उपयोगी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा पसंद है। और जहां तक आपने कहा कि नाटक कौन सा पसंद है, तो एक एक कृतिकार, एक रचनाकार, एक क्रिएटिव जब हम काम करते हैं तो लगभग सारी पसंद होते हैं, लेकिन मेरी रुचि दो चीजों में बहुत ज्यादा है, एक बुंदेली लोक नाट्य स्वांग और दूसरा संस्कृत रंगमंच। तो कोई भी संस्कृत रंगमंच जो उसकी विधान को मैं फॉलो करके करता हूं वो नाटक मुझे बहुत पसंद है, विशेष रूप से महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। और संस्कृत और लोक रंगमंच स्वांग की बात करें तो बुंदेली स्वांग, मैं बोझ नहीं भविष्य हूं, साधु सुंदरी या बुंदेलखंड विद्रोह, ये सब नाटक मुझे बहुत प्रिय हैं, तो दो धाराओं पे मैं काम करता हूं। जी, अब अगला प्रश्न भी आप कर सकते हैं, कौन करना चाहेगा हिमांशु जी से? जी, सबसे पहले सर आपको तहे दिल से मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवनारायण सिंह चौहान है। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि रंगमंच एक विद्यार्थी के जीवन में किस तरीके का सर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है? जी शिवनारायण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। रंगमंच अन्य कलाओं से इसी मामले में अलग है कि रंगमंच एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, उसकी चूंकि रंगमंच की ट्रेनिंग भी हम तीन पार्ट में करते हैं, बॉडी, वॉइस और माइंड। अब बॉडी से अभिप्राय कोई कोई मसल्स वाली बॉडी नहीं, बॉडी से अभिप्राय आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे चलते हैं, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले रंगमंच के माध्यम से अपने बारे में जानते हैं, और जो व्यक्ति अपने सेल्फ और अपने बारे में जान लेता है फिर वो समाज को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो रंगमंच सबसे बड़ा माध्यम होता है अपने आप को जानने का, हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या हमारा बिहेवियर है, हमारी क्या साइकोलॉजी है, क्या हमारा अप्रोच है। तो मूल रूप से रंगमंच एक सर्वांगीण विकास करता है, इस कारण से एक व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक परिवर्तन उसका रहता है। मेरा यही कहना है कि भविष्य में भले ही बच्चा थिएटर करे या ना करे, अभिनेता बने ना बने, लेकिन स्कूल स्तर पर प्रत्येक बच्चे को रंगमंच की कार्यशाला, रंगमंच की ट्रेनिंग अवश्य दी जानी चाहिए, जिससे वो समाज को एक बेहतर नजरिए से देख पाएगा, समझ पाएगा। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आपने रंगमंच जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों को अहम जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे सारे स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे प्रश्न हिमांशु जी से किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दर्शकों, आज रंगमंच जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे कार्यक्रम के द्वारा आपको जो भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भविष्य में आप सभी के लिए लाभदायक रहेगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत, नमस्कार। संकल्प लिया था।